आईपीएल के मेगा ऑक्शन के लिए 12 प्लेयर्स की लिस्ट आ गई है जो मार्की प्लेयर्स हैं। मार्की प्लेयर्स यानी वो प्लेयर्स जो सबसे पहले ऑक्शन में डाले जाएंगे, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है। इस लिस्ट में 12 नाम हैं जो दो ग्रुप्स में डाले जाएंगे, और इसमें आपके जो तीन कैप्टन आईपीएल के जिन्हें की रिलीज कर दिया गया है टीम से, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और केएल राहुल, इन तीनों का नाम है। इसके साथ साथ इंडिया के कुछ बॉलर्स युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह यानी इंडिया के टॉप टू हाईएस्ट इंटरनेशनल विकेट टेकर्स इन T20 फॉर्मेट, साथ साथ शमी और सिराज, ये चार प्लेयर्स ये सब भी मार्की लिस्ट में आएंगे। यानी ये सात इंडियन प्लेयर्स, साथ साथ पांच फॉरेन प्लेयर्स जो बड़े नाम हैं जैसे डेविड मिलर, जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टन। आप इमेजिन कर सकते हो, लियम लिविंगस्टन की बात मैंने की थी आपसे कि आजकल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है और पंजाब डिड मेक अ मिस्टेक बाय रिलीजिंग लियम लिविंगस्टन, उनका नाम है। साथ ही साथ पिछले साल आईपीएल में बिके हुए सबसे महंगे क्रिकेटर, इनफैक्ट आईपीएल की हिस्ट्री में बिके हुए सबसे महंगे क्रिकेटर मिचेल स्टार्क भी इस लिस्ट में शामिल हैं, और साथ साथ शामिल है कगिसो रबाडा। तो ये 12 प्लेयर्स वो 12 प्लेयर्स हैं जिनका नाम ऑक्शन में सबसे पहले आएगा। आपको बता दूं कि ये ऑक्शन 24 और 25 तारीख को जेदा में होना है 2 बजे इंडियन टाइम से, और इन ऑक्शंस में फ्रेंचाइजीज ने इसके पहले के 2-3 ऑक्शंस में ऐसी शिकायत की थी कि कई सारे बड़े और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम बहुत बाद में आते हैं, और बाय दैट टाइम वो फ्रेंचाइजीज इंपेशेंट होके बहुत सारे ऐसे परचेजेस कर लेते हैं जिनकी वजह से उनका पर्स कम हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो शायद उस दौरान जब लिस्ट आ रही होती है कई टीम्स भूल जाती हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स आने हैं, कौन कौन से बाकी हैं। इसीलिए फ्रेंचाइजीज की रिक्वेस्ट रहती है कि सर्टेन प्लेयर्स को पहले ही ऑक्शन में डाल दिया जाए, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, ताकि उनके ऊपर जितना भी पर्स उनको खर्च करना है वो कर लें, बाद में बचे हुए पर्स में वो बाकी प्लेयर्स को खरीद बेच सकते हैं। तो इस लिस्ट में ये 12 प्लेयर्स हैं। साथ साथ आपको बता दूं कि 574 प्लेयर्स को फिलहाल शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि किस फ्रेंचाइजीज ने किसी प्लेयर के ऊपर इंटरेस्ट जाहिर किया हो, और अनफॉर्चुनेटली जोफ्रा आर्चर का नाम इस लिस्ट में है ही नहीं। मतलब अभी तक जोफ्रा आर्चर को लेकर किसी भी फ्रेंचाइजी ने, आउट ऑफ द 10 फ्रेंचाइजेस, किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है जोफ्रा आर्चर के लिए, जबकि 43 ईयर ओल्ड जिमी एंडरसन के लिए फ्रेंचाइजेस ने इंटरेस्ट दिखाया है, और इसीलिए उनका नाम 574 प्लेयर्स जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसमें डाला गया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जोफ्रा आर्चर के बारे में आपको बता दूं कि वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं, और मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्हें 8 करोड़ में खरीदा गया था, और माना जा रहा था कि शायद जोफ्रा आर्चर अब एक बहुत बड़े परचेज होंगे। लेकिन जोफ्रा आर्चर इंजरीज के कारण बहुत सारे आईपीएल मिस कर गए, पूरे आईपीएल के लिए अवेलेबल भी नहीं रहे, और बाद में अभी जब उन्होंने कमबैक किया है तो पिछले 6 महीने में उनकी बॉलिंग काफी ऑर्डिनरी रही है। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप में भी वो थे और इंग्लैंड की परफॉर्मेंस हम सबको पता है कि वो इतनी अच्छी कर नहीं पाए थे। अभी वेस्टइंडीज में भी जोफ्रा आर्चर ने काफी रन दिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ होम सीरीज में भी वो काफी पिटे, शायद इस वजह से अब जोफ्रा आर्चर की डिमांड गिर गई है, लेकिन इतनी गिर गई है कि कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता। वेल दैट्स सैड। मगर फिलहाल जो लिस्ट है उस हिसाब से ये 12 प्लेयर सबसे ज्यादा डिमांड में है, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से कौन किसे पिक करेगा। श्रेयस अय्यर जो पहले भी दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल श्रेयस अय्यर को वापस लाने की कोशिश करे, क्योंकि श्रेयस अय्यर दिल्ली की फ्रेंचाइजी में पहले खेल चुके हैं, कैप्टन भी कर चुके हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ऋषभ पंत को लेकर बहुत सवाल है कि क्या CSK उनके लिए जाएगा, क्या RCB उन्हें चेस करेगा, क्योंकि उन्हें भी कैप्टन की जरूरत है। सेम KL राहुल के साथ भी है, CSK और RCB दोनों का नाम आ रहा है। तो अभी ये जो 12 प्लेयर्स हैं तो वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं ब्रेकिंग द बैंक वाले बॉलर्स होंगे। युजवेंद्र चहल को लेकर भी बात उठ रही है कि मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है युजवेंद्र चहल को परचेज करने में। तो जो ऑक्शन का पहला दिन और पहला घंटा है वो प्लीज आप मिस ना करें, क्योंकि उसी एक घंटे में इन 12 प्लेयर्स का बंटवारा होगा। मोहम्मद सिराज इस लिस्ट में कैसे आए हैं ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। शायद वो टीम इंडिया के रेगुलर रहे हैं इस वजह से उनका नाम है, मगर मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज इज गोइंग टू ब्रेक एनी बैंक्स, क्योंकि मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से कुछ ऐसी नहीं रही है कि लोग उनको 12-15 करोड़ में खरीदें। और अगर
5 करोड़ से ऊपर भी कोई भी सिराज के ऊपर खर्च करता है तो मेरे ख्याल से उस फ्रेंचाइजी के पास बहुत ज्यादा पर्स बचा है। अदरवाइज सिराज की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं पिछले आईपीएल में, खासकर उनकी परफॉर्मेंस इतनी ही ज्यादा खराब रही थी कि मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। बट एनीवेज जो भी प्लेयर्स इस लिस्ट में है, और मोहम्मद शमी के ऊपर भी काफी पैसे खर्च हो सकते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ऑक्शन का पहला दिन और पहला घंटा। बाकी लिस्ट भी धीरे धीरे बाहर आ रही है और धीरे धीरे अपडेट्स मिलेंगे कि कौन से प्लेयर शॉर्टलिस्ट हुए हैं कौन से नहीं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।